दुर्गा पूजा हम बंगालीज के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है। एक इमोशन जो इस थॉट से आता है कि अब हम घर जाएंगे, अपनों से मिलेंगे, ढेर सारा बंगाली फूड खाएंगे और 5 दिन बिल्कुल ऐश करेंगे। तो इस वीडियो में हम उन 5 दिनों को फिर से याद करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट होता है इन पुणे। स्टार्टिंग ऑफ विद द बेस्ट पंडाल इन पुणे, खड़गी कालीबाड़ी में वृंदावन के प्रेम मंदिर का रेप्लिका बनाया गया था, जहां माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ काफ़ी सारे कृष्ण की मूर्तियां भी देखने को मिली। और खाने के बिना दुर्गा पूजा कंप्लीट कैसे होगा, तो वहाँ पे ढेर सारे फूड स्टॉल्स थे एंड अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड टू चूज फ्रॉम। ऑल्सो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट ऑफ वॉज गणेशखंड का श्री श्री माँ आनंदमयी आश्रम का दुर्गोत्सव। फिर था वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस कांग्रेस भवन का दुर्गा पूजा, विच हैपेंस इन शिवाजी नगर। ये ना ही सबसे पुराना है बल्कि सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है पुणे में यहाँ पे। और जहाँ बंगालीज हैं वहाँ खाने के स्टॉल्स तो होंगे ही, एंड यहाँ पे भी कल्चरल एक्टिविटी हो रही थी और बहुत सारे कपड़ों के भी स्टॉल्स लगे थे। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द पॉशेस्ट एरिया ऑफ पुणे, केपी का दुर्गा पूजा जो होता है रोही विला में। यहाँ की मूर्ति वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल लग रहा था देखने में। और जैसा कि मैंने कहा, ये सबसे पॉश एरिया है, इसलिए यहाँ पे तनिष्क और ऑडी का भी एग्जिबिशन किया गया था, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द फूड स्टॉल्स एंड द अदर स्टॉल्स। अगला पंडाल था विमान नगर में इन सिम्बायोसिस। हम यहाँ पहुंचे आफ्टर 10 o'clock और तब तक पूरा पंडाल खाली हो चुका था, सारे स्टॉल्स भी बंद हो चुके थे, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए इसकी वजह से। अब तक जितने देखे हमने सप्तमी वाले दिन देखे थे, अब अष्टमी की सुबह स्टार्ट हुई पुनावले के श्रीयंश सोसाइटी में, जो कि एक छोटा सा पूजा था, बट इट वॉज वेरी फुलफिलिंग बिकॉज वहाँ पे विदाउट एनी रश हम आराम से अंजलि दे पाए। वहाँ से निकले तो हम गए पिंपले सदागर के पूजा में। ओ माई गॉड, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, बिकॉज वो अष्टमी का दिन था एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ दुर्गा पूजा। और ये था मेरा सबसे फेवरेट ASPS दुर्गा पूजा इन पशान, जो एक बंगाली वेडिंग थीम पे रखा गया था। और ये मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी देखने में, जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल बंगाली ब्राइड। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक मूर्ति काच कोटों के ऊपर बना हुआ है। काच कोटा इज बेसिकली एक कंटेनर जिसे बंगाली ब्राइड होल्ड करती है थ्रू आउट द वेडिंग, और ये माँ लक्ष्मी का भी एक्सेसरी होता है। ऑल्सो दे डिस्प्लेड तोथो आर बेसिकली गिफ्ट्स दैट आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द ब्राइड एंड द ग्रूम्स फैमिली, जो काफ़ी आर्टिस्टिक वे में सजा के भेजा जाता है। नवमी वाले दिन वी वेंट टू कोंडवा का संकटहरण महादेव टेम्पल,
And you are fortunate enough to see a traditional ritual called the bali. पहले animals की बलि दी जाती थी, but अभी भी ये ritual चलता है and symbolically vegetables की बलि दी जाती है. और यहाँ पे हमने दोपहर का भोग भी खाया, which was free of cost for anyone who visited there. पिछले पंडाल से कुछ ही दूरी पे लोनकर लॉन्स में और एक दुर्गा पूजा हो रहा था, तो वी विजिटेड दैट एज वेल. उसके बाद हम चले गए AFMC का दुर्गा पूजा देखने, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट दुर्गा पूजास इन पुणे. और ये लास्ट पंडाल हमने देखा बानेर में. और दशमी के दिन हमने माँ को सिंदूर और मिठाई से विदाई दी, अगेन इन श्रियंस सोसाइटी पुनावले. तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको मेरे ट्रेडिशन के बारे में बताने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. इफ सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रैवल्स एंड टेक केयर. दुग्गा दुग्गा.